गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल दिया की दुनिया में। तो मेरा जो आज का व्लॉग होने वाला है कुछ इस प्रकार से होने वाला है। अब मैं सब संभालूंगा किचन, अभी सफाई नहीं हुई ढंग से। तो यहाँ पे क्या है कि तुम्हें लग रहा होगा मैं तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ, तैयार कहीं नहीं जा रही हूँ। मेरा ना वो मतलब एकदम वैसे कपड़े पहन के ना मूड भी ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा गर्मी वाला कपड़ा निकालती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है कुर्ता, आई थिंक मैं सेकंड बार इसको पहन रही हूँ। तो ये कुर्ता जो आप देख सकते हो मुझे बहुत ही पसंद है, तो ये मैंने पहना हुआ है आज और नहा धो लिया है, और आज छोटी सी बिंदी भी लगाई है मैंने, और नहा धो के गई हूँ एकदम रेडी। अब बनाऊँगी नाश्ता, नाश्ते में बना रही हूँ रोटी सब्जी बना रही हूँ, अभी रोटी बनाई नहीं है, और पापा बना रहे गोभी की सब्ज़ी। पापा ने कहा कि मैं गोभी की सब्ज़ी बना देता हूँ, रोटियाँ बना देना, तो फिर मैं रोटी बनाऊँगी। और क्योंकि मुझे गोभी से इतनी आन हो गई ना, ना सब्ज़ी बनाने का मन करता है ना कुछ। और आज है पापा की छुट्टी, और आज सबकी छुट्टी है, सैटरडे संडे के दिन हमारे घर में सबकी छुट्टी रहती है, मेरे हस्बैंड की, मेरे देवर की, मेरे ससुर जी की, चीकू की, इवन चीकू की भी प्ले स्कूल की भी छुट्टी रहती है, तो इसीलिए सब छुट्टी में है। तो फिलहाल तो यही चल रहा है, हम नाश्ते वास्ते की तैयारी करते हैं। दिन में तो वही आज दाल चावल रोटी सब्जी प्रॉपर बनेगा, क्योंकि सारे लोग घर पे ही हैं, तो बस यही है। अब फटाफट करते हैं, और चीकू भी अभी सोया हुआ है, देखो चीकू अपना आराम से सो रखा है। मैंने कहा कोई बात नहीं सोने दे, क्योंकि उसको 9:30 बोल रही, और दिन उसको स्कूल जाना होता है, आज स्कूल नहीं जाना है, तो मैंने कहा सो जाओ कोई बात। तो चीकू जो है वो सोया हुआ है, बस यही है। अब मैं फटाफट करते हैं काम, फिर आप लोगों से बात करते हैं। ओके, कपड़े मार धोरी, अब मशीन लगाऊंगी, क्योंकि जो है कपड़े बहुत सारे हो गए, चद्दर वद्दर भी हो गए ना, छोटे मोटे कपड़े तो मैं हाथ से धो लेती हूँ, लेकिन चद्दर वद्दर नहीं धो पाती हूँ हाथ से, इसीलिए अब फटाफट करूँगी। अभी मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर नाश्ते में गोभी की सब्ज़ी, और अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ, और आप देख सकते हो शायद तैयारी हो चुकी है, फिर आप बनाते हैं यार नाश्ता, फिर आप लोगों से बात करते हैं। मेरी वीडियो ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चीकू हो गया एकदम रेडी, और इसकी जो मुंह पे मुस्कुराहट है थोड़ी देर के लिए है, क्योंकि ये फिर हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि इसको लग रहा है मीजल्स, मतलब जो खसरा होता है ना उसका वैक्सीनेशन लगने वाला है इस बार उसका। तो अभी फोन आया था, हाँ ठीक है वो देख लो भैया, वो देख लो, ये देख रहा है, ये एनिमल शो देख रहा है, देख लो। तो फिर इसको मैं लेके फटाफट लेके जाती हूँ, और ये खसरा जो भी है उसका इंजेक्शन लगा के लाती हूँ। टीका लगाना बहुत ज़रूरी है, आप भी लगाइए, और टीका कभी स्किप नहीं करना चाहिए बच्चों का, आपको जैसे कि आप लोग को पता ही है, तो टीका जरूर लगाएं। तो फटाफट लगा के ले आती हूँ इसको, पिछली बार इसका लगना था, लेकिन उस दिन इसको बहुत तेज बुखार था, बुखार में वो लोग टीका नहीं लगाते, इसलिए उस दिन स्किप कर दिया, लेकिन आज इसको टीका लगाना है। देखते हैं कैसा करता है, अगर वहाँ वीडियो बना देंगे तो हम बनाएंगे, नहीं बना देंगे नहीं बनाएंगे। चले चलो आ जाओ, चलो वो नहीं कहा हमने लगवा लिए, इसमें जब तक कर रहा है तो दोस्तों चीकू का देखो वैक्सीनेशन हो गया एकदम कंप्लीट है ना गोलू, देखो हाँ ये देखो, और चले लगाए इंजेक्शन हाँ। ये तो मैंने सोचा था थोड़ा दो तीन दिन डॉक्टर के पास जाना है हाँ। इंजेक्शन खाने, ये मेरा गोलू का सर्टिफिकेट है ना, चल बैठ जाओ। तो बस हो गया है वैक्सीनेशन, अब मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, ये पहन के इसलिए कहते ढीला ढीला है ना इसीलिए, क्या चल नीचे बैठो मैं आ रही हूँ, तो फिर आपसे बात करते हो, कपड़े वपड़े चेंज कर लेते, फिर आपसे बात करते। तो दोस्तों देखो इधर क्या कर, अरे नहीं बोलूंगी
मैंने बोला स्टेज गया, मामा से बोलो मुझे फोन माही देखो मुझे फोन आ रहा है। मैंने कहा स्टेज गया मामा से बोल रहे के, बोला मम्मा प्लीज मेरी मम्मा मत करो। अरे मामा को नहीं बोल रही, मैं नहीं बोल रही मामा को, नहीं बोल रही। मामा से ऐसे करता सिर दर्द करता। मैं एक्चुअली बताऊँ उसको वैक्सीन लगा के बहुत ज्यादा एनर्जी अंदर आ गई है मेरे से। उच्च माही इसने मेरे बाल खींचे। मम्मा देखो ये वैक्सीन दिखा, यहाँ पे लगा रहा है, अपना इंजेक्शन दिखा रहा है। बहुत तकलीफ है, लेट जाओ बेटा, आप बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ। देखो हाँ ये भी देखो आज अब आपको कितने दिन तक, जब तक हटेगा तब तक देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा आपको, ये देखो गोलो नीचे में। ये मेरा सबसे प्यारा बच्चा है। बोलो छोड़ो। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम हो चुका है 1 बजे का, दिन का खाना बना चुकी हूँ मैं। दिन के खाने में है आज दाल चावल और थोड़ा सा चटनी बनाई है मैंने, अभी तक धो लिया है। ये है चटनी, ये आप देख सकते हो। और अब बनाती हूँ मम्मी के लिए रोटियाँ, क्योंकि मम्मी खाती है रोटी और इसीलिए अब मैं बनाऊंगी रोटियाँ। फटाफट चलती हूँ, मम्मी बाहर बीन रही है मेथी और महेंद्र अपना ऑफिस से काम कर रहे हैं और चीकू भी बैठा। माई इसका बनाना छील दो यार, ये पूरा नीचे फेंक देता है फिर इतना परेशान करता है ना लड़का, क्या बताऊँ। मैं पहले बनाना देती हूँ उसको, फिर आपसे बात करती हूँ। तो दोस्तों अपने पति से एक काम बोला चटनी उठाने को, वो फिर नहीं उठाया उसने, तो फिर लेटा हुआ है गेंडा जैसा। वाओ काम भी करना है, सो के काम करना है, सीरियसली मुझे समझ नहीं आता। और मम्मी भी यहाँ पे मेथी बन रही है, मैं चटनी लेके आती हूँ। मम्मी ये वाली चटनी इसमें इमली है, पापा को दे देना। हाँ और तुम मुझे कल वाली है तो वो खा लेना, ठीक है? क्योंकि कल वाली में इमली डाली थी और आज वाली में डाली है इमली, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे 7 बज चुके हैं ना, बहुत ही भूख लग रही थी तो इसीलिए ना महेंद्र लेके आए हैं टिक्की आलू चाट। आलू चाट है, टिक्की है ना, आलू टिक्की। आलू टिक्की देखो बहुत ही टेस्टी लग रही है, तो महेंद्र बना के लाए हैं। मैं तो पहली बार खा रही हूँ इस वाली शॉप से, आज तक कभी नहीं खाई है लाइफ में, तो जहाँ से महेंद्र लेके आए पहली बार खा, देखते कैसी होती है। और खा रहे हैं इसको और तो फिर आपसे बात करते हैं, पहले खा लेते हैं। तो यहाँ पे रात के खाने की तैयारी कर रखी है और नारी मेथी की सब्जी, क्योंकि दिन की दाल बची है तो मैंने सोचा एक सूखी सब्जी भी होनी चाहिए और तो इसी हरी सब्जी बनाए। अब फटाफट तेल रख दिया है, बनाएंगे हरी सब्जी। और यहाँ पे बना रही हूँ आज मैं मडवे और गेहूँ को मिला के रोटी, और अपने लिए गेहूँ की बना रही हूँ क्योंकि गर्म होती है इसलिए। तो दोस्तों यहाँ टाइम 11 बजने वाले हैं और ना मैंने रात को अभी थोड़ा बहुत सफाई करी है और चीकू पी रहा है यहाँ पे दूध। देखो चीकू अपने पापा को शर्त लगा रखी है, पापा से पहले मैं फिनिश करूंगा। चीकू ने फिनिश कर दिया हल्दी वाला दूध, वेरी गुड वेरी गुड। तो चीकू ने फिनिश कर लिया है दूध सब लोगों ने। और अभी मैंने सॉरी मैं आप लोग को दिख नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा इसके लिए खेद है। और बस यही है, अभी मैंने चीकू ने क्या किया ना, जितने भी सर्दी कपड़े थे चीकू के वो सारे बेड पे रख दिए हैं, अच्छे से लगा दिए हैं। और चीकू के गर्मी के कपड़े मैंने निकाल दिए हैं। ये चीकू जो यहाँ पर डब्बा देख रहे हैं इसमें चीकू के घर में पहने वाले कपड़े रहते हैं, और अदरवाइज चीकू के जो नए कपड़े हैं जो कि स्कूल के लिए या फिर कहीं बाहर जाने के लिए पहनता है वो कपड़े इस वाले में रखे हैं, वाले में। तो सारा हमने कर दिया एकदम सेट, और ताकि सुबह टेंशन नहीं होती ना, सुबह देर में उठो आपको कोई बात नहीं, तो इसीलिए। और सर पे करिए मैंने अच्छे से ऑयलिंग, फेस भी लगा दिया है गुलाब जल, गुलाब जल भी मेरा इतना बचा हुआ है खत्म होने वाला है। और बस यही है, अब मैं पीऊँगी अपना दूध प्रोटीन वाला, ये देखो प्रोटीन वाला दूध पीऊँगी। और सबने पी लिया है, बस यही है। तो इस वाले ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तो आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ चीकू गेम खेल रहा है, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मेरे आने वाले वीडियो ब्लॉग आप तक पहुँच सके। तो गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओह देखो जाते आते इसने डकार भी ले लिया।